नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपके पास कार, बाइक, ट्रक या फिर दूसरी गाड़ियां हैं और उसके जरूरी कागजात की वैलिडिटी फरवरी 2020 या फिर 31 दिसंबर 2020 के दौरान खत्म हो गई है, लेकिन उसे आरटीओ जाकर रिन्यू कराने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल 31 दिसंबर 2020 तक आपके वाहनों के जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और दूसरे दस्तावेज वैध माने जाएंगे यानी वैलिड माने जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले कोरोना संकट के मद्देनजर वाहनों के जरूरी दस्तावेज की वैधता यानी वैलिडिटी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस समेत मोटर वाहन के जरूरी दस्तावेज की वैलिडिटी बढ़ाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो रही है, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने साथ ही यह भी कहा है कि राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी ऐसे सभी दस्तावेज को 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानने की सलाह दी गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर रिन्यू नहीं हो रहा है तो आपके वाहनों के जरूरी दस्तावेज की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। तो आज इतना ही, नमस्कार।